टू एक्स है ठीक है टू बाय थ्री लेट मी चेक नॉट टू बाय थ्री इट्स ट्वेल्व बाय थ्री ओके इट्स ट्वेल्व बाय थ्री बिकॉज ए वॉज ट्वेल्व ट्वेल्व बाई थ्री एंड वर्ट इज़ इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट इज़ वो विथ वैल्यू जो अयोटा के साथ हो कॉन्सटेंट तो आएगा वन बाई एट ठीक है लेकिन अयोटा के साथ क्या है साइन थ्री एक्स साइन थ्री एक्स बाई एट तो आपके पास आ जाएगा आपके पास आ जाएगा माइनस फोर माइनस फोर कॉस टू एक्स प्लस वन बाई एट साइन थ्री एक्स माइनस फोर कॉस टू एक्स बिकॉज ट्वेल्व ट्वेट बाई थ्री माइनस फोर कॉस टू एक्स जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ माइनस फोर कॉस टू एक्स आता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो आएगी और रेयर पार्ट वो होता हैं जो एयोटा से आज़ाद हो चुके हैं कास्ट टू एक्स माइनस ट्वेल्व बाई थ्री माइनस फोर टू एक्स आता है और इसी तरीके से इसका इमेजनरी पार्ट होता है जो एयोटा के साथ हो कॉन्सटेंट टर्म तो आएगी वन बाई एट साइन थ्री एक्स ठीक है तो आपके पास आ जाएगा वाई पी माइनस ट्वेल्व बाई थ्री कास टू एक्स वन बाई एट साइन थ्री एक्स या इस तरीके से माइनस फोर कॉस टू एक्स प्लस वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स और जनरल सॉल्यूशन होता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड दिस इज़ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ठीक हो गया अब है एग्जांपल नंबर टू एग्जाम्पल नंबर टू देखें आपके पास इसी थ्योरम पे बेस करती है आई होप कि आपको थ्योरम भी नज़र समझ आ गया हो कि जब आपके पास कॉस होता है जब आपके पास कॉस होता है तो आप लोग क्या स्टडी करते हैं आप रियल पार्ट जो है जो है इस चीज़ का फंक्शन आयोटा ए ए ए एयोटा एटा एक्स कैपिटल ए द कोफिशेंट ऑफ कॉस एंड यहाँ पर जब आपके पास साइन होता है तो आपके पास आता है इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ आयोटा ए कैपिटल ए ई आयोटा ए एक्स कैपिटल ए इज़ द कोफिजेंट ऑफ साइन थ्री एक्स वाइल स्मॉल ए इज द डोमेन मेन फंक्शन ऑफ साइन ओके डोमेन वैल्यू ऑफ साइन ठीक है अब आपके पास ये है डिफरेंशियल इक्वेशन और आपने इसका क्या मालूम करना है जनरल सोल्यूशन मालूम करना है दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है नॉन होमोजीनियस बिकॉज राइट साइड पे आपके पास जीरो नहीं है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ऑल कॉन्सटेंट कोफिश फॉर नॉन होमोजीनियस दिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्सटेंट कोफिशियट जनरल सोलूशन इज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंटी सोल्यूशन एंड पर्टिक्युलर सोल्यूशन फर्स्ट वी हैव टू साल्व कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यून कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज द एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सोलूशन ऑफ द होमोजीनियस एसोसिएटेड होमोजनियस डिफ्रेंशियल इक्वेशन सो द एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी ए प्लस फाइव डी फोर प्लस फोर वाई इज टू जीरोक्वल टू जीरो सो डी एट प्लस फाइव डी फोर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरोक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक हो गया ये आपके पास क्या है या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना अब आपको पता है कि ये चीज़ आप लोग पहले भी मालूम जो है वो कर चुके हैं ठीक है कहाँ भी मालूम कर चुके हैं पिछली वीडियो में ठीक है फ्राम वर्क डन इन प्रीवियस वीडियो वीडियो का नाम है होमोजीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन सी वीडियो है आप लोग चेक कर लें होमोजी डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है ये क्वेश्चन का मतलब है कि इसका ये क्वेश्चन का मतलब है कि ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ ये वाला ठीक है कई वो जीने इक्वेशन इक्वेशन को सॉल्व करें उसमें आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है और उसका रूट जो आपके पास आए हैं वो है वन प्लस एटा वन माइनस वन प्लस एटा वन बाय अंडर रोट टू प्लस एटा अंडर रोट टू माइनस वन बाय अंडर रोट टू प्लस माइनस एटा अंडर रूट वन वन बाई अंडर रूट टू ये आप लोग ऑलरेडी जो है वो मालूम कर चुके हैं मैंने सोचा कि अगर मैं इसको दोबारा कराऊंगी तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा तो इससे अच्छा है पहले वीडियो मैं बना चुकी हूँ पढ़ा भी चुकी हूँ तो आप लोग उस चीज़ को दोबारा से देख लेंगे तो ज़्यादा फिजिबल होगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी ठीक है अब फर्स्ट रूट वजह से आपके पास आएगा ई e एक्स और एटा के साथ वन है तो सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स इसकी वजह से आ जाएगा ई माइनस एक्स और फिर यहाँ पे वन है तो सी थ्री कॉस एक्स सी फोर साइन एक्स अब इसकी वजह से वन बाई अंडर रूट टू एक्स और सी फाइव कास वन बाई डू टू एक्स और साइन साइन वन बाई डू एक्स इसकी वजह से ई पावर माइनस वन बाई टू एक्स यानी कि रियल पार्ट एक्सफोनेशियल फंक्शन के ऊपर जाता है और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो कास और साइन के अंदर आप लोग लिखते हैं ठीक है ठीके? अब यहाँ पे सी एट तक है अब पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने मालूम करना है यानी कि वाई पी मालूम करना है right राइट हैंड साइड था आपके पास ई थ्री एक्स फाइव साइन टू एक्स कास सेवन एक्स सहरी सी बात है तीन अलग अलग फंक्शंस है इसका अलग मालूम करेंगे इसका अलग, इसका अलग इसका अलग इसका अलग ठीक हो गया फिर तीनों के मालूम करके आखिर में जब कर लेंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो चाहिए अब ई थ्री एक्स के लिए सबसे पहले मैंने मालूम किया चूँकि थ्री जो है वो रूट नहीं था यहाँ पे कहे कि फंक्शन जब आपके पास ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और ए जो है वो आपके पास रूट ना हो तो तब सिचुएशन क्या होती है कि वाई पी आपके पास वन आवर एफ एफ एक्स आता है ठीक है चूँकि थ्री जो है वो रूट नहीं था तो आपके पास फंक्शन में आपने क्या पुट करना है थ्री पुट करना है फंक्शन क्या था है डी ए प्लस फाइव डी फोर प्लस फोर इसमें आपने जब थ्री पुट किया है पुटिंग आप लोगों को मुझसे अच्छी आती है तो सिक्स नाइन सेवन जीरो आपके पास आता है तो सिक्स नाइन सेवन जीरो थ्री एक्स इसका क्या है वाई पी ना फाइव कॉस टू एक्स आप बता चुकी हूँ कि जब भी आप सॉरी कॉस टू एक्स नहीं साइन टू एक्स तो जब भी आपके पास साइन की फॉर्म में आता है तो वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ आई ए यानी सॉरी मेरे मुँह से आई निकल रहा है आयोटा एयोटा ए ई आयोटा ए एक्स ठीक है इसका इमेजनरी पार्ट वट इज़ ए स्मॉल ए इज टू एंड कैपिटल ए इज फाइव ठीक हो गया द इमेजनरी पार्ट ऑफ फंक्शन आयोटा टू फाइव बिकॉज ऑफ दिस ए और ई आयोटा टू एक्स अब हमें फंक्शन में अयोटा टू पुट करना है वट इज़ फंक्शन डी एट प्लस फाइव डी फोर प्लस फोर आयोटा टू पुट कर लिया अयोटा पहला एट टू पे अलग एट प्लस फाइव पे अलग अयोटा पैलग फोर डी टू पे अलग फोर प्लस फोर टू पावर एट जो है आप लोगों ने निकाल लेना है आपके पास आता है टू फिफ्टी सिक्स एयोटा एट निकालने के लिए आपको पता है कि आप इसको लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई फ़ोर चूँकि मैं आपको बता दूँ कि आपके पास सिर्फ वैल्यू पता है आयोटा स्क्वायर की तो आयोटा एट की तो नहीं पता तो आपने जो भी चीज़ हो पावर में हो तो आपने उसको टू का फैक्टर बनाना होता है तो वो टू मल्टीप्लाई फोर एट होता है तो एयोटा स्क्वायर जो है टू पावर फोर है ना एटा स्क्वेयर पहली माइनस वन आती है और फोर ये फोर जो है इवन पावर है माइनस वन को खा जाएगा तो आपके पास आ जाएगा वन और वन मल्टीप्लाई टू फिफ्टी सिक्स इज टू फिफ्टी सिक्स ठीक हो गया प्लस एटी अब ये एयोटा फोर है इसको भी मैं टू का फैक्टर टू मल्टीप्लाई टू फोर एयोटा स्क्वेयर माइनस वन आ जाएगा और माइनस वन के ऊपर जब आप लोग के स्क्र लेते हैं वो अगेन वन आएगा बिकॉज टू इज इवन नंबर माइनस वन का स्क्वायर वन वन आएगा तो एटी मल्टीप्लाई वन एटी प्लस फोर इन सब को सम करें तो थ्री फोर्टी आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि एट की पावर आप लोग कैसे इवॉलवेट करते हैं ठीक हो गया नेक्स्ट ये है आपके पास इमेजिनरी ये आ गया थ्री फोर्टी और फाइव ई एटा टू एक्स इसको फिर हम आइलर फार्मूला से लिखेंगे तो फाइव डिवाइडेड पहले तो हमने फाइव और थ्री फोर्टी की कटिंग कर ली सिक्सटी एट आ गया तो इसको इमेजिन आइलर फार्मूला से खोलेंगे कॉस टू एक्स प्लस होता है साइन टू एक्स तो इमेजनरी पार्ट क्या होता है कि जो कि आपके पास कॉन्सटेंट तो आएगा जो एटा के साथ होता है वो इमेजनरी पार्ट होता है साइन टू एक्स अब आपके पास माइनस कावन एक्स माइनस का सेवन एक्स की वजह से आपके पास क्या होता है कि वाई पी होता है रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एयोटा ए ए आयोटा ए एक्स ठीक है तो फंक्शन में आपने आयोटा सेवन पुट करना है ठीक है और आपके पास कैपिटल ए है वो है माइनस वन और ई आयोटा सेवन एक्स इसमें स्मॉल ए की जगह आपने क्या पुट करना है सेवन और कैपिटल ए आपके पास क्या है माइनस वन ठीक है तो फंक्शन में आयोटा सेवन ये माइनस एटा सेवन पुट कर ले जी एटा सेवन पुट करने से आपके पास आ जाएगा एवोटा एट और सेवन पे पावर एट जब आप लोग लगाएंगे तो वो आप लोग कैसे लगा सकते हैं आपको मैं दोबारा तो से बता देती हूँ ये कोई भी हाईस्ट पावर आपको निकालने का ये तरीका होता है कि कैलकुलेटर को ऑन किया सेवन लिखा और इस हेड की वजह से आप कोई भी पावर दुनिया की इसकी निकाल सकते हैं जो कहते हैं ये फाइव सेवन सिक्स फोर एट ज़ीरो वन ठीक हो गया ये आ गया फिर फाइव आयोटा पे अलग फोर और सेवन पावर फोर से आपके पास टू फोर जीरो वन आ जाएगा आप लोग चेक भी कर सकते हैं ठीक है अब आयोटा पे अलग एट टू फोर क्योंकि आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वन होती है इसके अलावा तो कोई वैल्यू पता नहीं है ना तो हम इसको टू का फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं टू मल्टीप्लाई फोर आपके पास लिख लिया इसको इसको भी हम फाइव मल्टीप्लाई टू फोर जीरो वन के साथ करेंगे तो वन डबल वन टू डबल जीरो फाइव आपके पास आ जाएगा आयोटा फोर आपके पास टू मल्टीप्लाई टू प्लस फोर अब ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन पावर फोर ये ऐसे लिखा ये भी ऐसे लिखा आयोटा स्क्र माइनस वन स्क्वायर प्लस फोर अब ये पॉजिटिव वैल्यू है सॉरी ये है इवन 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 नंबर नंबर क्या करता है माइनस को खत्म कर देता है मैनेज कर देता है तो ये वन आ जाएगा वन मल्टीप्लाई दिस ये पूरा नंबर आ जाएगा अब ये भी इवन नंबर है ये भी माइनस वन को खत्म कर देगा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप इसमें वन ही आएगा प्लस फोर जब इन सारी काउंटिंग को हम प्लस करते हैं नंबर को प्लस करते हैं आपके पास ये आ जाएगा ठीक है फाइव एफ आयोटा सेवन की वैल्यू आपके पास ये आई माइनस आपके पास स्टार्ट में लग गया ये एटा सेवन एक्स मैंने ऐसे लिखा फिर हम आइलर फॉर्म में लिखेंगे तो कॉ सेवन एक्स प्लस एटा साइन एक्स तो रियल पार्ट आपके पास क्या होता है जो एटा से आज़ाद हो चुके कि है ये टर्म आपके पास इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है कॉन्सटेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर लें बस स्टार्ट में कॉन्सटेंट लिख लें और कॉ से सेवन एक्स लिख लें तो ये आपके पास क्या आता है वाई पी थ्री तो औरिजिनल फंक्शन का जो वाई पी हो गया वो क्या हो गया सम ऑफ ऑल वाई पीस सम ऑफ आए वाई पी के पहले वाले का ये था दूसरे का ये आया तीसरे का ये आया तो इन सब की जो वाई पी है इनका सम जो है आपके पास क्या आ गया कौन कौन से वाई पी का सम आपके पास ये आ गया सबसे पहले जो है आपके पास वाई पी था वो है वन सिक्स नाइन सेवन जीरो ई थ्री एक्स ठीक है प्लस दूसरे वाला वन बाई सिक्सटी एट साइन टू एक्स प्लस तीसरे वाला ये अब तीसरे में प्लस होना चाहिए था लेकिन चूँकि वो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो इस वजह से यहाँ पे मैंने माइनस लगा हुआ है तो आप लोग ये ना सोचना हम तो ऐड करते तो यहाँ पे माइनस क्यों लगा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ माइनस था तो वो प्लस ये हमने सम किया हुआ था लेकिन इसके जो माइनस था ये जो तीसरे वाला वाई पी के था तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो इस वजह से ये माइनस है अब जनरल सोल्यूशन क्या होता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सोलूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सोलूशन मैं बता चुकी हूँ यहाँ तक कॉम्प्लीमेंट्री सोलूशन है और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के आपस में लिया तो ये आपके पास क्या है जनरल सोलूशन ठीक हो गया अब है हमारे पास अलग एग्जाम्पल जो कि इसी साइन और पे बेस करती है अगर आपको समझ आ रही है ये चीज़ें तो वैन एंड गुड ये इसी तरीके से पेपर में भी आता है अगेन ये है होमोजीस डिफरेंशियल इक्वे सॉरी नॉन होमोजीस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिश सो नॉन होमोजियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो समफ कॉम्पलीमेट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है इसका एसोसिएटेड होमोजीस डिफरेंशियल इक्वेश बनेगा डी क्यू माइनस थ्री डी स्क्वेयर प्लस थ्री डी माइनस वन वाई इज इक्वल टू जीरो फंक्शन जो है फंक्शन वाई इज इक्वस टू जीरो सो दरी इक्वेशन जो है आपके पास आ जाएगा इस चीज़ को आपने ले लिया एक जीरो के बराबर अब ये है आपके पास डी पावर थ्री मतलब थर्ड डिग्री पोरिनियल है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने फिर से सेंथेटिक डिवीजन जो है वो यूज़ किया थ्री टू वन ज़ीरो तो वन माइनस थ्री थ्री माइनस वन अगेन हम चेक करेंगे कि, कि, कि ये कहाँ पर जो है आपके पास जो है आपके लास्ट में जो आंसर है वो ज़ीरो दे रहा है जब मैंने वन पुट किया तो आपके पास आंसर जीरो दे रहा है तो ऊपर से नीचे उतारे वन वन मल्टीप्लाई वन वन माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू वन मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस टू थ्री में से टू माइनस टू गए तो वन फिर वन मल्टीप्लाई वन आपके पास आता है वन तो वन और माइनस वन आप इसमें कैंसिल होकर आपका आंसर देगा जीरो सो इसका जो रूट बना है वो है एक माइनस एक है वन तो इसको हम लिखते हैं मैं बता चुकी हूँ तो एक्स माइनस ए की फॉर्म में लिखते हैं चूँकि ये एक्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ डी है तो डी माइनस वन और ये बन जाएगा थ्री टर्म्स है ना तो हाइएस्ट पावर की होगी और सॉरी जो पावर्स होंगी वो टू होंगी डी स्क्वेयर माइनस टू डी प्लस वन यानी कि इसकी जो पावर होगी टू होगी अगर थ्री टर्म्स हैं तो अब या तो ये ज़ीरो है या तो ये ज़ीरो है ठीक है तो डी माइनस वन इजिक्वस टू जीरो इधर से आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वस टू वन और डी स्क्र माइनस टू डी प्लस वन से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी और दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जो कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये डी का स्क्वायर है और ये वन का स्क्वायर है ठीक है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दरम्यान वाला टू ए बी बना रहे हैं या नहीं तो ये डी का स्क्वायर है ये माइनस टू ए बी प्लस वन का स्क्वायर ए में आप लोग डी पुट कर दें बी में आप वन पुट कर दें तो चेक करो दरम्याला बन रहा है कि नहीं ऐसे बन रहा है तो जब ये माइनस का फार्मूला हो तो आपको पता है कि ये बन जाएगा डी माइनस वन का स्क्वायर क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है ठीक है फार्मूला नंबर टू तो अब जब आप दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लेते हैं स्क्वायर रूट तो डी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा ठीक है तो दो रूट्स आ जाएंगे आपके पास वन वन दस डी इज इक्व टू वन इज़ अ रूट विच इज़ रिपीटेड थ्री टाइम्स ठीक है पहले भी वन आया दो दो मरतम दोबारा से वन आया है ठीक है तो ये थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपके पास हो गया सी वन ई एक्स फिर एक एक्स का हिसाब इजाफा फिर एक फिर एक और मतलब एक्स स्क्वेयेर ई एक्स ठीक है अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है पर्टिकुलर सोलून मालूम करने के लिए आपको एफ़ एक्स लिखना है एफ एफ़क्स का मतलब है राइट हैंड साइड से आपके पास क्या है ई एक्स प्लस टू साइन एक्स ठीक है अब आप सबसे पहले इसका मालूम कर लें फिर इसका मालूम कर लें ठीक है अब मैंने फॉर ई एक्स मालूम कर दी हूँ इसमें जो है आपके पास अगर फंक्शन आपके पास इस तरह का हो ए ई एक्स तो वाई पी वन आवर एफ ए वन आवर एफ एक्स बट हेयर ए इज इक्व टू वन विच इज़ हेयर ए इज इक्व टू वन ए क्या है वन विच इज रिपीटेड थ्री टाइम्स तो वाई पी जो है तब इस केस में क्या बन जाता है ये बनता है अगर कोई रूट ना रिपीट रूट ना हो ठीक है अगर रूट ना हो तो आप लोग ये लिखते हैं ये तरीक़ाक अख्तियार करते हैं लेकिन अगर कोई रूट हो और वो रिपीट भी हो रहा हो तो आपके पास आता है एक्स एन एफ एन ए एक्स वट इज़ एक्स वट इज़ एन हेयर एन इज़ इक्व टू थ्री वाई थ्री बिकॉज रूट जो है वो थ्री मरतबा रिपीट हुआ है तो हमने फंक्शन का डेरेवेटिव कितनी मतबा मालूम करना है तीन मरतबा फंक्शन क्या है डी क्यू माइनस थ्री डी स्क्र प्लस थ्री डी माइनस वन एक मरतबा डेरीवेटिव थ्री डी स्क्र माइनस सिक्स डी प्लस थ्री फिर डेरिवेटिव सिक्स डी माइनस सिक्स फिर डेरीवेटिव सिक्स अब अब इसमें क्या पुट करना है आपने वन पुट करना है वन पुट करोगे दुनिया का जो भी नंबर पुट करो उसमें कोई डी नहीं है तो फंक्शन में वैल्यू पुट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा लेकिन आता है आपके पास सिक्स एक्स एन का मतलब है यहाँ पे थ्री तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई सिक्स और ए ई एक्स वट इज ए हेयर इसका कोफिशंट क्या था वन था तो वन एक्स वट इज़ ऑलरेडी स्मॉल ए बी कैपिटल ए बी जो है वो ए है और स्मॉल ए बी जो है वो वन है कैपिटल और स्मॉल दोनों वन है तो वन ई वन एक्स तो आपके पास बन जाएगा ये एक्स क्यूब ई एक्स बाई सिक्स आई होप आपको समझ आ रही हो अगर समझ नहीं आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आप लोगों को किसी और तरीके से भी समझा दूँ अब है फॉर साइन टू एक्स टू साइन टू एक्स अब आपको पता है कि जब भी आपके पास साइन एक्स हाइपरबोलिक तो नहीं है ना तो जब साइन वाले होते हैं तो उसका इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ एटा ए एटा ए एक्स वट इज़ एज कैपिटल ए जो है आपके पास क्या है टू और स्मॉल ए जो है वो है वन ठीक है तो आपके पास क्या आ गया एफ iota ए तो iota ए का मतलब है वन iota और कैपिटल ए का मतलब है टू और ई e iota एक्स वन एक्स लिखें या खाली एक्स लिखें एक ही बात है ठीक है तो एफ़ आयोटा टू एफ टू डिवाइडेड बाय एफ़ आयोटा और इसमें आलर फार्मूला इस्तेमाल करें कॉस वन एक्स और साइन वन एक्स वन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है एफ एटा मालूम करना यानी फंक्शन में आपने एोटा पुट करना है एटा क्यूब माइनस थ्री एटा स्क्वेयर प्लस थ्री एटा माइनस वन अब चूंकि यहाँ पे आ गया है एयोटा थ्री और थ्री जो है वो टू टेबल में नहीं आता तो आपने इसको स्प्लिट करना है इससे जो छोटा नंबर है जो कि टू के टेबल में आता है वो है टू ठीक है तो आपने टू अलग कर लिया यानी कि आप इसको थ्री को लिख सकते हैं ना टू प्लस वन तो जब आप इसमें बेसिस सेम पावर एडिट वाला रिवर्स लगाएं तो आप आयोटा स्क्वायर अलग और आयोटा पावर वन अलग ठीक है आयोटा स्क्वायर अलग आयोटा पावर वन अलग थ्री आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन प्लस थ्री एयोटा माइनस वन ठीक है अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन एटा माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस थ्री एटा माइनस वन माइनस वन एयोटा क्या हो गया माइनस एयोटा प्लस थ्री प्लस थ्री एटा माइनस वन थ्री में से वन गए तो टू और थ्री आयोटा में टू आयोटा गए तो थ्री आयोटा में से आयोटा गए तो टू आता है तो यहाँ पे माइनस आयोटा आयोटा वालों को करीब लिखा नंबर वालों को करीब लिखा टू आयोटा प्लस टू और पहले रियल लिखो फिर इमेजनरी पार्ट लिखो तो टू प्लस टू आयोटा इज वैल्यू ऑफ एफ आयोटा ठीक है तो वाई पी टू हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू प्लस आयोटा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स अब यहाँ पे देखें अच्छा ये बात आप लोग हमेशा याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर यानी कि एटाफ के फॉर्म वालों के डिवीज़न जो है पॉसिबल नहीं है अच्छा इन दोनों में कॉमन थर्ड टू ऊपर वाले टू के साथ कैंसल हो गए तो मैं प्लस एटा बच गया अब डिवीज़न पॉसिबल नहीं है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने इसका कंजुगेट लेना होता है यानी कि आपके पास यहाँ पर प्लस एटा है ना प्लस तो इसका प्लस का ऑपोजिट साइन क्या होता है माइनस यही सब कुछ लिखना है लेकिन दरमियान वाले का साइन जो है वो चेंज करने के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा वन मल्टीप्लाई वन माइनस एवोटा और माइनस एवोटा ये दोनों सेम है आपको पता है जब ब्रैकेट दोनों सेम हो ए प्लस बी और ए माइनस बी आप से मल्टीप्लाई हो रही हो दोनों में से फर्थ से साइन का फ़र्क हो तो थर्ड फार्मूला कहता है ए स्क्यर माइनस बी स्क्वायर दोनों सेम है ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो गया नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो लेकिन दोनों में सेम ऐसे साइन का फर्क है तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ए स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब ये चीज़ें मैं ऐसे एजेटिश उतार रही हूँ वन का स्क्वायर वन एटा का स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू अब इस चीज़ को मैं आपको क्यों नहीं समझा रही क्योंकि ये जो है मैं एज इट इज उतार रही हूँ तो वन माइनस एोटा बाई टू वन Bennu, गया। गया। अब वन मल्टीप्लाई दिस cos x प्लस एोटा साइन एक्स माइनस एयोटा यानी कि आपने पहले वन को उठाया इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया अब माइनस एयोटा को उठाया इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी डिवाइडेड बाई टू का सिक्स प्लस एोटा साइन एक्स माइनस एयोटा कॉ सस प्लस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई iota iota स्क्वेयर साइन एक्स cos x प्लस एोटा साइन एक्स माइनस एोटा साइन एक्स माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन तो आपके पास आ गया कॉस एक्स प्लस एयोटा साइन एक्स माइनस एयोटा कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई टू अब आपने क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल के करीब लिखना है एटा वालों को एयोटा के करीब लिखना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एयोटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होगा जो एयोटा के साथ है एटा के साथ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू ठीक हो गया तो वाई पी टू आपके पास ये हो गया तो आप कहते हैं जो जनरल सोल्यूशन है ऑफ कम्प्लीमेंट वाई पी जो है आपके पास क्या हो गया वाई पी जो है आपके पास हो गया पहला वाला वाई पी था एक्स क्यूब ई एक्स सिक्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई सिक्स ई एक्स और दूसरा वाई पी जो है ये था तो दोनों वाई पी तो जनरल वाई पी जो है फंक्शन का ओरिजिनल फंक्शन का ये हो गया तो जनरल सोलूशन इज सम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन था ये और वाई पी था ये तो ये जनरल सोल्यूशन हो गया ना अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट है फंक्शन इज द पोरिनियल ऑफ डिग्री एम ग्रेटर दैन वन दैन द पर्टिकुलर इंटिग्रियल ऑफ द नॉन होमोजीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई एफ एक्स इज फंक्शन डी का आपने इन्वर्स लेना है और एफ़क्स के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि अगर कोई आपके पास फंक्शन जो है वो राइट हैंड साइड पे है और उसकी डिग्री जो है वो वन से बड़ी है वन या वन से बड़ी है पोलिनॉमल की डिग्री तो तब आपके पास फंक्शन का आपने इन्वर्स लेना है और एफ एक्स के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है अच्छा अब ये नॉन होमोजनीस डिफरेंशियल इक्वेशन है येस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है और विद कॉन्सेंट कोविशंस है ये फॉर नॉन होमोजीस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्सेंट कोशन जनरल सोल्यूशन इज़ कम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस प्लस पर्टिकुलर सोलूशन कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपने क्या करना है किस तरीके से मालूम करना है इसी चीज़ का आपने मोटिंग डिफ़रेंशियल इक्वेशन बनाने यानी राइट हैंड साइड को आपने इक्वेट करना है जीरो के बराबर ठीक हो गया यहाँ पे जब आपने इसको मैंने राइट हैंड साइड को इक्वेट करके जीरो के बराबर तो आपके पास आ गया डी क्यू प्लस टू डी स्क्र प्लस डी वाईजिकल टू जीरो फंशन डी वाई टू जीरो सो इक्वेशन इज डी क्यू प्लस टू डी प्लस डी टू जीरो अब इन तीनों में डी जो है वो कॉमन है तो डी कॉमन है और ये फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी का तो डी प्लस वन का होल स्क्वायर या तो डी जीरो है या डी प्लस वन होल स्क्वेयेर जीकल्स टू जीरो डी जीरो आ गया यहाँ से आपके पास माइनस वन माइनस वन चूँकि इसके बाद पावर टू थी टू तो इसका मतलब है तो माइनस वन जो है वो रिपीट हो रहा है टू टाइम्स सो डी जीकोस टू जीरो एंड माइनस वन माइनस वन आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सो वाई सी जो है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है सी वन ई जीरो एक्स सी टू ई माइनस एक्स बट माइनस वन रिपीट हो रहा है तो नेक्स्ट में एक्स भी आएगा ना कॉम्प्लीमेंट्री सोलूशन हम मालूम कर चुके हैं अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है अब पर्टिकुलर सोलूशन मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं ई टू एक्स के लिए मालूम करेंगे ठीक है अब चूंकि आपको पता है कि जब भी आपके पास एक्सफिनशियल फंक्शन हो और उसका जो पावर uh, में जो नंबर है वो रूट ना हो तो आपने क्या करना होता है वन आवर एफ ए और वो सारा फंक्शन आपने लिख लेना है अब एफ़ ए का क्या मतलब है कि फंक्शन में आपने टू पुट करना है अब फंक्शन के आपके पास डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस वन इसमें जब आप टू पुट करेंगे तो आपके पास आता है डी क्यूब की वजह से टू क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर की वजह से टू स्क्वायर प्लस डी जब इसको मैंने सम किया तो एटीन एटीन ई टू एक्स आपके पास क्या आ गया वाई पी आ गया अब ये जो वाई पी है यानी कि अब इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब चूंकि ये पोनीमियल है पोनीमियल है और आपके पास इसके लिए फोनॉमिल के लिए हमने अभी पढ़ा है थ्योरम में कि फ़ंक्शन में फंक्शन डी का इन्वर्स मल्टीप्लाई एफ़ एक्स अब फंक्शन क्या है आपके पास डी क्यू प्लस टू डी स्क्र प्लस डी अब इसका इन्वर्स आप किस तरीके से निकालेंगे उसको चेक करें अब इन्वर्स निकालने का बहुत आसान तरीका यह है या सॉरी इन्वर्स भी कह सकते हो पावर माइनस वन भी कह सकते हो ठीक है उसका आसान तरीका क्या है कि आपने यहाँ पर लिख लिया माइनस वन अब यहाँ पर क्या है डी कॉमन है डी कॉमन ले लिया तो डी स्क्र प्लस टू डी प्लस वन अब अब इसको आपको पता है अब इसको ओपन करने के लिए मुझे जो चाहिए है वो बायनॉमियल एक्सपेंशन चाहिए ठीक है बायमामियल एक्सपेंशन की जो ख़ास बात ये है कि आपके पास स्टार्ट में क्या होना, होना चाहिए वन होना चाहिए ठीक है ये ये है याद रखें हम लोग अब यहाँ पे वन इधर ऑलरेडी बन चुका है तो क्यों ना मैं इसको तरतीब से लिख लूँ ठीक है बायोमियल अभी आपको समझ आ जाएगी डी पहले मैंने कॉमन ले लिया फिर यहाँ पे जब डी कॉमर ले लिया तो मुझे स्टार्ट में वन चाहिए था तो मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया वन लिख लिया पहले टू डी बाद में और डी इसको सबसे एंड में अब डी कबार माइनस वन अलग जाएगा और सेकेंड टर्म पे पावर में माइनस वन अलग जाएगा डी कबार माइनस वन अलग गया सेकेंड टर्म पे पावर माइनस वन अलग गई तो वन बाई डी अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहते हैं कि जब भी आपके पास नेगेटिव पावर हो स्टार्ट में वन हो और फिर एक्स हो तो वन प्लस एन वन माइनस एन एक्स बाई वन फैक्टोरियल और प्लस एन एन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल अपू सो ऑन ठीक हो गया ये बायनोमियल एक्सप्रेंशन का तरीका था उसको स्टार्ट में वन चाहिए था वो हमने इसलिए वन को स्टार्ट में लिखा अब एन क्या है आपके पास दिस इज़ वन दिस इज़ एक्स ठीक है दिस इज़ एक्स और दिस इज़ एन तो वन वन प्लस एन एक्स एन वर्थ इज़ एन माइनस वन और एक्स डी स्क्वायर प्लस टू डी डिवाइडेड वन फिर आपने लिखा यहाँ पे एन एन प्लस वन एन एन प्लस वन एन एज माइनस वन और सॉरी फार्मूला आपने जो है एज एट इस्पोर्ट करना है ठीक है यहाँ पे ये फार्मूले में जो है एन है ना तो एन माइनस एन तो नहीं है तो एन के आपके पास वन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल और डी स्क्वायर प्लस टू डी का स्क्वायर ठीक हो गया एंड सो ऑन अब ये हो जाएगा वन बाई डी वन माइनस डी स्क्वायेयर प्लस टू डी डिवाइड बाई वन फेक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा टू बाई टू फैक्टोरियल डी स्क्वायेयर प्लस टू डी का होल स्क्वायर जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि आपके पास आ जाएगा डी फोर प्लस बी स्क्वायर यानी कि फोर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि आपको पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर को जब आप लोग ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर व्हाट इज ए डी डी का स्क्वायर क्या आएगा डी फोर वट इज बी टू डी टू डी का स्क्वायर आ जाएगा फोर डी स्क्वायर टू ए बी टू ए बी डी स्क्वायर और बी इज टू डी तो डी क्यूब और फोर डी क्यूब तो ये फार्मूले को ओपन करने से आपके पास हासिल होता है एस वी हैव polynomial ऑफ डिग्री टू जस्ट कैसे परिणामल जो है वो एक्स स्क्र प्लस एक्स है सिर्फ तो उसके जो हायर ऑर्डर ये डी जो है वो क्या है बेसिकली डेरिवेटिव है तो उसके हायर ऑर्डर सो वी ओनली नीड पावर्स अप टू डी स्क्वेर बिकॉज हाई डेरीवेटिव और ऑब्वियसली जीरो एक्स स्क्वेयेर प्लस एक्स है जो है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड डेरीवेटिव जो है हम मालूम कर सकते हैं वो कॉन्सटेंट आता है और उसके हायर जो डेरीवेटिव आप लोग खुद मालूम कर लें फर्स्ट डेरीवेटिव इसका क्या आएगा टू एक्स प्लस वन फर्स्ट डेरीवेटिव सेकेंड डेरीवेटिव टू थार्ड डेरीवेटिव जीरो जितनी पावर होती है ना उसका उतना डेरीवेटिव मालूम हम कर सकते हैं आई एस पावर उससे अनवर्ट्स के होते हैं ज़ीरो होते हैं तो हमें इसे फोर सिर्फ टू तक चाहिए तो यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर फोर है यहाँ पर क्यूब है इसके बाद आई एस आएंगे तो हम सिर्फ ये लिख सकते हैं इनकी कोई ज़रूरत नहीं है वो आगे वैसे भी मैनेश होंगे तो वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस, प्लस फोर डी स्क्वायर तो वन माइनस डी स्क्वायर प्लस फोर डी स्क्र ये जो है आपके पास क्या है एफ डी का पावर माइनस वन से आया है और आपके पास एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर लो ठीक है अब वो तो आसान है माइनस डी स्क्वायर माइनस टू डी क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और फोर डी स्क्वायर अच्छा अब डी स्क्वायर डी स्क्वायर को साथ देखो फोर डी स्क्वायर में से डी स्क्र गए तो थ्री डी स्क्र माइनस टू डी अच्छा अब वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स और थ्री डी स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस टू डी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स अब आपने क्या करना है एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स अपनी जगह पे लिख कर ए डी मतलब डेरिवेटिव एक मतलब डेरिवेटिव लो टू एक्स प्लस वन और डी का मतलब है डेरिवेटिव अंदर जाके डेरिवेटिव ले लो टू एक्स प्लस वन अगेन डी एक डी दो तो डी थे ना डी स्क्वायेर था तो एक मतलब डेरिवेटिव आपने ये चुके अब एक और मतलब डेरिवेटिव लो तो आ जाएगा टू और यहाँ पर आ जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस प्लस माइनस टू सिक्स डी टू से सिक्स ठीक है तो आपके पास आ जाएगा सिक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स अब तरतीब से लिखो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स माइनस टू यानी कि ऑर्डर में हमने इसको लिखा ठीक हो गया अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस प्लस, एक प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स लेके बड़े वाले के साथ माइनस का साथ है सिक्स तो में से टू गए तो फोर तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वाई पी आया है वो ये है तो इसका डी माइनस वन का यानी इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन अब इसका इंटीग्रेशन ले एक्स का इंटीग्रेशन एक्स थ्री बाई थ्री और माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस थ्री एक्स प्लस टू और फोर का इंटीग्रेशन आता है फोर एक्स तो दिस इज वाई पी तो सम ऑफ़ कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोलूशन ये होता है तो पोरिनामिकल सिर्फ थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है बाकी के लिए आसान है इतना मुश्किल नहीं है ठीक हो गया अच्छा इफ एफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स दैन द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ़ एनेथोमोजीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन दिस इज ई एक्स एफ डी प्लस ए एफ एक्स इफ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स सही है अगर कोई भी फंक्शन है एक्स का ठीक है दैन द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनेथ होमोजीन डिफ्रेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास ये आता है अच्छा अब ये है फंक्शन ऑफ एक्स का यानी कि यहाँ पर अलग अलग नहीं है पहले तो हमारे पास था साइन अलग था एक्स अलग था एक्स एक्स अलग था अब ये मिक्स है कौन सा फंक्शन है मिक्स फंक्शन है ठीक है मिक्स फंक्शन में आपके पास कहता है कि जब भी आपके पास मिक्स फंक्शन हो प्लस में नहीं है माइनस में नहीं है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है मिक्स फंक्शन हो तो उसके लिए जो है आपके पास और उसमें एक्सपोनेशियल मौजूद हो अगर अगर उसमें मिक्स फंक्शन में एक्सपोनेंशियल जो है वो मौजूद हो तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है ई एक्स एफ डी प्लस ए एफ एक्स ठीक है तो आपके पास जो भी केसेस हैं एक्सपोनेंशियल के लिए अलग केस है अगर एक्सपोनेंशियल के लिए जो ऊपर वाले पावर में रिपीट हो रहा है तो क्या वाई पी की क्या शक्ल होगी साइन हाइपरबोलिक हो तो वाई बी की क्या सॉरी साइन हो तो वाई पी की क्या शक्ल होगी कॉस हो तो आपके पास क्या शक्ल होगी अच्छा अगर पॉलीनोमियल हो तो वाई बी की क्या शक्ल होगी और अभी यह है फंक्शन ऑफ एक्स तो उसके लिए वाई पी की क्या फंक्शन की क्या शक्ल होगी मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि ये एम सी क्यूज में भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है वाई पी का तो आपने इसको ऐसे जैसे, जैसे जो जो भी एग्जाम्पल्स मैंने करवाई हुई है उसको सही तरीके से समझना है और जो अगर समझ नहीं आए तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अब ये मिक्स फंक्शन और इसमें एक्सप्लेशन फंक्शन भी है तो उसका जो वाई पी है वो ई एक्स एफ डी प्लस ए एफ एक्स होगा तो जनरल सोलूशन चूंकि ये नॉन होम डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्सेंट क्रोव्यूजन

आ, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको आ, या सॉरी कैसे मैंने इसको फार्मूला के थ्रू यानी कि इसको कंपैक्ट फॉर्म में लिखा है डी माइनस वन का होल स्क्वायर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें तब भी आपके पास वन वन आंसर आ जाएगा ठीक हो गया अब आपके पास ये रूट्स हैं वन वन, वन विच इज़ इनफैक्ट रिपीटिंग तो सी वन ई एक्स और एक और मतलब रिपीट हुआ है तो एक्स एक्स रूट्स आर रिपीटेड सो तो इसलिए अब आपके पास वाई पी मालूम करना है अब एक्स ई साइन एस